तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदयम अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार करनाना मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनति सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई आदि हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो फिर बैठी मन विस्मय भयो। राम दूत मैं मात जान की सत्य सपत करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी दीन राम तुम्ह कह सही दानी। नर बानर ही संग कहू कसे कैसे कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी और उसे पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित हो उठी। उनका हृदय हर्ष तथा विषाद से व्याकुल होने लगा। वे मन में विचार करने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है उन्हें कोई नहीं जीत सकता और माया से ऐसी दिव्य अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। सीता जी इसी प्रकार विचार कर रही थी तभी हनुमान जी मधुर वाणी से प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करने लगे। इस मधुर वाणी को सुनकर सीता जी का दुख दूर हो गया। वे मन लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की संपूर्ण कथा कह सुनाई। सीता जी बोली जिसने यह सुंदर कथा कही है वह प्रकट क्यों नहीं होता। यह सुनकर हनुमान जी सीता जी के पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी बोले हे माता जानकी मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। मैं करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कहता हूँ हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। प्रभु ने मुझे आपके लिए पहचान हेतु यह निशानी दी है। सीता जी ने पूछा बताइए कि नर और वानर का कैसे संग हुआ। हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह समस्त कथा कह सुनाई। कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी ने प्रेम से परिपूर्ण वचन सुन हनुमान जी के प्रेम से परिपूर्ण वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री राम का दास है।